हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आरबी यूट्यूब क्लासेज में। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, ये क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए मैथ की बुक से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें कि क्यूब रूट क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कि हमने कोई नंबर लिया 1 और इसको मैं थ्री टाइम्स लिखता हूँ, तीन बार 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, और मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, सो 1 बन जा 1 एंड 1 बन जा 1। तो इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब अगर हम 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर आएगा 1। ठीक है, और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 raised to the power 3। इसको क्या बोला जाता है, या तो आप पढ़िए 1 cube या फिर आप पढ़िए 1 raised to the power। इसी प्रकार से हम अगर मान लीजिए नंबर लेते हैं 2 और इसको 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 2 2 4 और 4 2 8, आंसर कितना आएगा स्टूडेंट, 8 आएगा। और इसको हम राइट कर सकते हैं इस प्रकार से, 2 cubed r 2 raised to the power 3। इसी प्रकार से एक और नंबर लेते हैं 3 raised to the power 3, तो इसका मतलब देखिए 3 के पावर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इस नंबर को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 into 3, 3 into 3, ठीक है, 3 बार 3 into 3 into 3। सो फर्स्ट टाइम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा कितना होगा स्टूडेंट, 9। 3 3 जा कितना होगा, 9। और दोबारा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 जा कितना होगा, 27। अब यहां पर मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, देखिए ये जो नंबर होता है ना, ये इसको कहा जाता है नंबर, और ये जो रिजल्ट होता है ना इसको कहा जाता है क्यूब। यानी कि अगर हम किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दें और उसका जो रिजल्ट मिलता है वही हमारा क्यूब होता है। ये हमारा क्यूब होगा और ये हमारा नंबर होगा। आगे चल करके जब हम रूट फाइंड करेंगे तो ये क्यूब हो जाएगा और ये उसका रूट हो जाएगा। चलिए इसी को और हम डिटेल में पढ़ते हैं। मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई फार्मूला बनाना है तो मैं यहाँ पर एन ले लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं एन को 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ n into n, तो यहाँ पर हो जाएगा n cubed r n raised to the power 3। तो ये हमारा फार्मूला बनेगा। अगर हमें किसी नंबर का क्यूब बताना है तो उस नंबर को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारा क्या होगा, क्यूब होगा। ठीक है, तो आइए इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। वैसे तो इसकी डिफिनीशन का कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन फिर भी एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय थ्री टाइम्स इटसेल्फ कोई भी नंबर है, अगर उसे 3 टाइम हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है, देन द रिजल्ट इज अ क्यूब नंबर। ठीक है, तो लेट अस सपोज हमारे पास कोई नंबर n है और उसकी पावर 3 है, तो हम इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे n into n into n, तो जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो आएगा क्यूब नंबर। तो यहां से हम देख लेते हैं कि भाई हम इसको राइट कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास 1 cube है तो 1 को 1 into 1 into 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 1। ये हमारा नंबर है और ये हमारा क्यूब है, ठीक। इसी प्रकार से 2 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 2 into 2 2 2 4 2 8 एंड 3 raised to the power 3, 3 multiplied by 3 multiplied by 3 is equal to 27। कैसे, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, ठीक है, 4 multiplied by 4 multiplied by 4 is 64, 4 4 जा 16 4 जा 64, 5 raised to the power 3
5 × 5 × 5 = 125। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 6 का क्यूब फाइंड करेंगे तो 6 × 6 × 6 6 × 36 36 6 × 216, ठीक है। इसी प्रकार से हम थोड़ा और देख लेते हैं, 10 तक देख लेते हैं एटलीस्ट। 7 क्यूब फाइंड करना है तो 7 × 7 × 7 7 × 7 = 49 49 × 7 = 343। 8 क्यूब फाइंड करेंगे, 8 × 8 × 8 सो 8 × 8 = 64 एंड 8 × 64 = 512। इसी प्रकार से 9 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 क्यूब्ड सो 9 × 9 9 × 9 9 9 = 81। 81 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा 81 × 9 = 729। सिमिलरली 10 क्यूब सो 10 × 10 × 10 10 × 100 × 1000। तो ये हमारे 1 to 10 तक के क्यूब होंगे जो हमें यूज करने हैं, ठीक है। तो इतना आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इतना राइट कर लिया होगा। देखिए स्टूडेंट, आपकी मैथ की बुक में 1 to 30 या फिर इससे ज्यादा का क्यूब आपको दिया गया होगा तो आप कोशिश करें इस प्रकार से लिख लिख करके उसको लर्न कर लें। अगर आप ऐसे लर्न करेंगे तो लर्न नहीं होगा, लेकिन अगर आप बार बार लिखेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट 20 तक तो क्यूब आपको याद होना चाहिए। अभी मैंने बताया आपको कि 1 का जो क्यूब होता है वो होता है 1, 2 का जो क्यूब होता है वो होता है 8, 3 का जो क्यूब होता है वो होता है 27, 4 का जो क्यूब होता है वो होता है 64, इसी प्रकार से 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343। आप मेरे साथ फटाफट बोलते जाइए और लिखते जाइए, आपको आधा लर्न हो जाएगा। 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729, 10 क्यूब 1000, ठीक है। तो इधर साइड हमारे क्या है, इधर साइड हमारे नंबर हैं और इधर साइड हमारे जो है वो है क्यूब, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि ठीक है, फिर आप मान लीजिए फाइंड करिए, फाइंड क्यूब रूट ऑफ 125, ठीक है। अभी क्वेश्चन बदल गया, क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई ठीक है, अब तक आपने क्यूब फाइंड किया था, अब आप फाइंड कीजिए क्यूब रूट। तो देखिए क्यूब रूट जस्ट उल्टा हो जाएगा, जैसे यहां पर ये क्या है 125 क्यूब है किसका, 5 का, तो क्यूब रूट जो होगा वो क्या होगा, 5 होगा। यहां पर कैसे राइट करेंगे देखिए सॉल्यूशन, ये हमारे पास क्वेश्चन है एज एग्जांपल और ये हमारे पास सॉल्यूशन है। तो हम यहां पर एक ऐसे सिंबल अप्लाई करते हैं, वैसे तो ये स्क्वायर रूट का सिंबल है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 3 लगा देता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा क्यूब रूट। इसको क्या कहा जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 125। और इस ये देखिए यहाँ पर क्यूब रूट 125 है तो इसका क्यूब रूट कितना बनेगा, 5 बनेगा। तो इसी प्रकार से जो क्यूब होता है और क्यूब रूट होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जैसा कि आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट में होता है। इसी प्रकार से जो 343 का क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो क्यूब रूट 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से 512 का जब क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो क्यूब रूट 8 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम 729 का क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो जो क्यूब रूट होगा वो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो क्यूब रूट ये वाला सेक्शन होगा, क्यूब ये वाला सेक्शन होगा, ठीक है। ये वाला जो सिंबल है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्यूब रूट, है ना, डिनोटेड एज क्यूब रूट। इसी प्रकार से अगर आपसे बोला जाए कि आप 5 फाइंड करो, क्यूब रूट ऑफ 729, तो देखिए यहां पे पावर 3 लगा हुआ है
ये जो लगा हुआ है, थ्री लगा हुआ है, इसका मतलब हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। अगर यहाँ पे दो लिखा होता तो हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना होता। अब क्यूब रूट किसका फाइंड करना है, 729 का। तो ये हमारे पास आ गया 729 क्यूब, एक किसका नंबर है 9 का, तो 9 यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, 9 यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही आपको समझाना चाहूँगा कि क्यूब क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है। अगले वीडियोज़ में मैं थोड़ा और बताने की कोशिश करूँगा कि क्यूब क्या है और क्यूब रूट क्या होता है। इसमें क्या होगा कि मैं आपको दो पार्ट में इसे बताऊँगा, पहले मैं क्यूब के बहुत सारे क्वेश्चन कराऊँगा, फिर मैं क्यूब रूट के बहुत सारे क्वेश्चन कराऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में आप लोगों को समझा पाया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।